हेल्थ वर्कर गए हड़ताल से, पिछले 6 महीने तो नहीं मिली तनखा। अज बठिंडा दे सरकारी हस्पताल विच सिविल सर्जन दफ्तर अगे धरने दे बैठे कॉन्ट्रैक्ट फीमेल हेल्थ वर्करां वालों पंजाब सरकार से दोष लगाया कि उन्हां कहा कि पिछले 6 महीने तो कम दा करवाया जा रहा है पर तनखा नहीं मिल रही। इस महामारी दे चलदे उन्हां नूं अपना चुल्हा चलाना भी औखा होया पिया है। उन्हां कहा कि विभाग के अधिकारियों वालों उन्हां नूं तनखाह के बदले सिर्फ लारे ही दिते जा रहे ने। दूसरी तरफ उन्हां दी ड्यूटी टीकाकरण ते लगा दित्ती गई है। करोना जिही महामारी दे चलदे उन्हां नूं कोई सेफ्टी किट भी नहीं दित्ती गई अते ना ही सिहत विभाग वालों उन्हां दा कोई बीमा किया गया है। उन्हां सरकार तों मंग कीती कि बाकी स्टाफ नर्सां अते डाक्टरां दी तरह साडा अते साडे परिवार दा भी सिहत बीमा किया जावे तां जो असीं भी इस लड़ाई दे विच उन्हां दे नाल मोढे दे नाल मोढा ला के खड़े हो सकीए। क्यों टीकाकरण करने लिए सानू कम्यूनिटी के जाना पेगा जोड़े साढ़े सैशन साइट्स ने उत्थे लोग होंगे गैदरिंग होएगी सारा कुछ होएगा उन्हों का टीकाकरण असं पहला भी रूटीन करते रहे हैं पर हूँ इस कंडीशन के जो सू कोई पीपी किट्स नहीं कोई इक्यूपमेंट्स जोड़े प्रोवाइड ही नहीं करवाए सरकार ने तो किस तरह असं एट रिस्क अपने आप को रख के काम कर सकते हैं या कोई साढ़े नाल आके बैठन या सू स्पैशल यही समान मुहैया कराया जाए असं ये काम करने तैयार हाँ। तो जिस तरह हूँ कोई सेंटर के काम असं NCD का काम कर रहे हैं शुगर सर्वे करना वो फॉरमैट्स ने ऑनलाइन भरने वो काम असं सारे कर रहे हैं तो वह सेंटर की स्कीम है। सेंटर के अंडर जोड़े मुलाजम साढ़े बराबर की पोस्ट दिया लड़कियां साढ़े नाल ही फीमेल वर्कर है उन्होंने वो इनसेंटिव मिल रहे हैं तो सानू नहीं दिते जा रहे तो असं यह भी मंग करते हैं सरकार को भी जे असी सेंटर सरकार के अंडर आदि स्कीम के प्रोग्राम वाले काम असी करते हैं तो वो अंडर आने वाला जो इनसेंटिव वो भी सानू दिता जाए ये भी साड़ी मंग है सरकार तो पुरजोर असं चाहते हैं भी साढ़े जोड़े सेहत बीमे ने वह किए जा जे नाल ही साढ़े इनफेक्टड हो फैमिली मैंबर इनफेक्टड होंगे तो नाल उन्हों का भी सरकार वालों सेहत बीमा किया जाए क्योंकि वो साढ़े कारण ही असी सेवावान निभा रहे हैं लोगों की भलाई लिए असी करोना लेके जाने अपने घर तो साड़ी फैमिली इनफेक्टड होंगी है तो वह साढ़े करके हो रही है तो साड़ी ये भी मंग है सरकार तो भी वह साढ़े परिवारक मैंबर का भी सेहत बीमा किया जाए इस कंडीशन के सर। असी MPHWU फीमेल वर्कर हैं अंडर DHS पंजाब सरकार दे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस से। सर साड़ी प्रॉब्लम यही है भी साड़ी सैलरी नहीं आई पिछले 6 महीनों तो हफ्ता पहला असी ACS मैडम मिल के गए हैं तो उन्होंने सानू कहा भी थोड़े बिल्ज ने जोड़े वो खजाने के भेज दते भी साढ़े वालों कोई कमी नहीं है हफ्ते थोड़ा कम हो जाएगा। कल जो असी खजाने चो पता किया सर भी साढ़े बिल कि नंबर किन्ने कितने पहुँचे की गलबात है तो सानू उत्थे यह गल पता लगी है भी साढ़े बिल उत्थे हले तक पहुँचे नहीं है ईवन कि साढ़े बिल हजे तक रेडी नहीं है जिहड़ी चीज़ सानू सामने आई है इस करके सानू यह धरना लाने वास्ते असी मजबूर होए हैं अदरवाइज साड़ी कोई इच्छा नहीं सी। जिस तरह हुण माहौल चल रहा करोना वायरस का किन्ने भयानक हालात साड़े देश में चल रहे देश विदेशों के चल रहे ईवन के पूरे वर्ल्ड के जिहड़ी सिचुएशन आ बड़ी गंभीर होई पई है। इस माहौल दे विच असीं अपनियां सेवावां तां दे ही ना निभा रहे हैं जिहड़े NRIs ने उन्हां दे असीं डायरैक्ट कॉन्टैक्ट के इन्ने हाँ उन्हां नूं फॉलो कर रहे हैं असीं कोई सस्पैक्टड केस ने उन्हां नूं क्वारंटाइन कर रहे हैं असीं एज अ फ्रंटलाइन वर्करज अपनियां सेवावां ने जिहड़ियां तां दे ही ना निभा रहे हैं पर सरकार जो साढ़े नाल हिम्मतरेई मां वर्गा व्यवहार कर रही है उस गल तो असीं बहुत नाराज़ हाँ सरकार तो। सानू सिर्फ बहुत निगुणियां तनखाहां दित्तियां जांदियां वह भी 6 महीने तो नहीं दित्ती गई लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है तुसीं खुद ही अमेजन करो असीं किस तरह अपना घर तो किस तरह अपनियां सेवावां निभा सकते हैं। सीनियर नाल गल हुई सी असी सिविल सर्जन साहब ना साड़ी गल हुई सी पर कहिंदे भी हाँ ठीक है असी थोड़ा हल कर देंगे जे सानू इदां ही इन्हां ने जैस कह के मोड़ देना दे मगरों कुछ होना नहीं तो फिर दसो असी कित्थे जाइए जी असी की करिए देखो जो ये सेवावान ने असं इस एमरजेंसी तो नहीं भजते अज
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਪਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।